इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। शुरुआत करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सीएसआईआर की मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं। सीधा को लिए चलते हैं। संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। यही काम वो आज एक बार फिर कर रहे हैं। किसी आइडिया को थियरी के रूप में लाना, लैब में उसका प्रैक्टिकल करना और फिर इंप्लीमेंट करते समय यानी समाज को उसको फिर सुपुर्द कर देना, ये काम पिछले 1.5 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्केल और स्पीड पर किया है वो अप्रत्याशित है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मानव जाति की सेवा करने में जुटे हुए हैं, चल रहे हैं, उतनी ही तेज गति से काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। 1 साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने, उन्होंने भी इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं आप सभी वैज्ञानिकों का और हमारे इंस्टीट्यूट्स का, इंडस्ट्री का, पूरे देश की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथियों, किसी भी देश में साइंस और टेक्नोलॉजी उतनी ही ऊंचाइयों को छूती है जितना बेहतर उसकी इंडस्ट्री से, मार्केट से संबंध होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इंटरलिंक व्यवस्था होती है। हमारे देश में सीएसआईआर साइंस, सोसाइटी और इंडस्ट्री की इसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट का काम कर रही है। हमारी संस्था ने देश को कितनी ही प्रतिभाएं दी हैं, कितने ही वैज्ञानिक दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर जैसे महान वैज्ञानिक ने इस संस्था को नेतृत्व दिया है। मैं जब भी आपके बीच आया हूं, और इसीलिए हर बार इस बात पर जोर दिया है
कि जब किसी संस्था की इतनी महान लीगेसी हो तो भविष्य के लिए उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। आज भी मेरी और देश की, इवन मानव जात की, आप सबसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। वैज्ञानिकों से, टेक्नीशियनों से बहुत अपेक्षाएं हैं। साथियों, सीएसआईआर के पास रिसर्च और पेटेंट्स का एक पावरफुल इकोसिस्टम है। आप देश की कई समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश के लक्ष्य और देशवासियों के सपने 21वीं सदी की नींव पर आधारित हैं, और इसलिए सीएसआईआर जैसी संस्थाओं के हमारे लक्ष्य भी असाधारण है। आज भारत एग्रीकल्चर से एस्ट्रोनॉमी तक, डिजास्टर मैनेजमेंट से डिफेंस टेक्नोलॉजी तक, वैक्सीन से लेकर के वर्चुअल रियलिटी तक, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के बैटरी टेक्नोलॉजी तक, हर दिशा में आत्मनिर्भर और सशक्त बनना चाहता है। आज भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आज हम सॉफ्टवेयर से लेकर सैटेलाइट तक दूसरे देशों के विकास को भी गति दे रहे हैं। दुनिया के विकास में प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हमारे लक्ष्य भी वर्तमान से दो कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लगातार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। कार्बन कैप्चर से लेकर के एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज तक हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। साथियों, अभी यहां आप सबकी ओर से इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन को और बेहतर बनाने पर खास जोर दिया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सीएसआईआर की भूमिका इससे भी एक कदम आगे की है। आपको इंडस्ट्री के साथ साथ समाज को भी साथ लेकर चलना होगा। मुझे खुशी है कि मैंने पिछले साल जो सुझाव रखा था, सीएसआईआर ने उसे इंप्लीमेंट करते हुए समाज से संवाद और सुझाव लेना भी शुरू कर दिया है। देश की जरूरतों को केंद्र में रखकर आपके ये प्रयास करोड़ों करोड़ों देशवासियों का भविष्य भी बदल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर 2016 में देश ने एरोमा मिशन लॉन्च किया था, और सीएसआईआर ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज देश के हजारों किसान फ्लोरिकल्चर से अपना भाग्य बदल रहे हैं। हींग जैसी चीज जो हर भारतीय रसोई का सदियों से हिस्सा रही है,
भारत हिंग के लिए हमेशा दुनिया के और देशों पर आयात पर ही निर्भर रहा है। सीएसआईआर ने इस दिशा में पहल की और आज देश के भीतर ही हिंग का उत्पादन शुरू हो गया है। ऐसी कितनी ही संभावनाएं आपकी लैब्स में सच्चाई में बदलती हैं, विकसित होती हैं। कई बार तो आप इतना बड़ा काम कर देते हैं कि सरकार को, मंत्रालय को भी उसकी जानकारी होती, और जब पता चलता है तो हर कोई हतप्रभ हो जाते हैं। इसलिए मेरा एक और सुझाव है आपसे, और मेरा सुझाव है कि आपको आपकी ये सारी जानकारी लोगों के लिए सुलभ बनानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति सीएसआईआर के रिसर्च के बारे में, आपके काम के बारे में सर्च कर सकें, और अगर कोई चाहता है तो उनसे जुड़ भी सके। इस पर भी आप सबने निरंतर जोर देना ही होगा। इससे आपके काम और आपके प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट होगा और समाज में, इंडस्ट्री में एक साइंटिफिक अप्रोच भी बढ़ेगी। साथियों, आज देश आजादी के 75 साल पूरे करने का निकट भविष्य आने वाला है, बहुत ही जल्द हम पहुंच रहे हैं। तो हमें आजादी के 75 साल को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट संकल्पों के साथ, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के साथ, निश्चित दिशा में रोडमैप के साथ आगे बढ़ना हमारे वर्क कल्चर को बदलने के लिए बहुत काम आएगा। कोरोना के इस संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। आज एमएसएमई से लेकर नए नए स्टार्टअप तक, कृषि से लेकर के एजुकेशन सेक्टर, हर क्षेत्र में देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। इन संभावनाओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सबको उठानी है, देश के साथ मिलकर इन सपनों को पूरा करना है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इंडस्ट्री ने जो भूमिका कोरोना के दौरान निभाई है, हमें इसी सफलता को आगे हर क्षेत्र में दोहराना है। मुझे विश्वास है आपकी प्रतिभा और आपकी इंस्टीट्यूशन की परंपरा और आपके परिश्रम से देश इसी गति से नित नए नए लक्ष्य हासिल करेगा, और 130 करोड़ से भी अधिक देशवासियों के सपनों को पूरा करेगा। मुझे आप सबके विचारों को सुनने का अवसर मिला, बहुत व्यवहारू बातें आप बता रहे थे, अनुभव के आधार पर बता रहे थे। मैं जरूर चाहूंगा कि जिन जिन के पास इस काम का दायित्व है, आप सब साथियों ने जो सुझाव दिए हैं, जो अपेक्षाएं की हैं, उसको पूरा करने में देर न की जाए। हर चीज को एक साथ मिशन मोड में, मोमेंटम के साथ पूरा करने का प्रयास हो, क्योंकि आखिरकार जब इतना समय देकर के आप सब बैठे हैं तो बहुत उत्तम विचार आना बहुत स्वाभाविक है, और इन मंथन में से जो अमृत निकले वो जन जन तक पहुंचाने का काम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के द्वारा लगातार अपग्रेड करते हुए, इंप्रूवमेंट करते हुए हमने इंप्लीमेंट करना है। मैं आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।